समय सारे धर्म के लोग, हिंदू प्रखंड चौरासी मोजा के सारे धर्म के लोग मांसाहार वर्जित करते हैं। इस मेला इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा स्थान है और इस मेले में सभी धर्म के लोग अपना सहयोग भरपूर देते हैं। इस अखंड नौ दिवारात्रि हरि कीर्तन में लोगों का जो आस्था है, जिस आस्था लेकर यहाँ आते हैं वो पूर्ण होता है। यहाँ आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। जो भी मांगा है भगवान उनकी मुराद को पूरा किया। ये मेला अक्षय तृतीया जब भी हो, साल में अक्षय तृतीया जिस दिन आता है उस अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू होता है। चाहे बैसाख में आए या चैत में आए, अक्षय तृतीया के दिन से ही ये मेला प्रारंभ होती है और 9 दिन तक निरंतर चलती है। यहाँ पे लोगों द्वारा, आम जनता द्वारा समिति को चुना जाता है, जिसमें से अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष अस्थायी रूप से चुना जाता है 3 सालों के लिए, और 3 सालों के बाद ये कमेटी फिर हम जनता के बीच से चुनाव होकर नया अध्यक्ष आते हैं। अब तक अस्थायी जो अध्यक्ष होते हैं वही मेला लगाते हैं, वही मेला को सुचारू रूप से चलाता है। सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ पर 12 महीना में 13 पर्व होता है, सारे पर्व होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, होली, रामनवमी, मतलब जितने भी तरह का है सारे त्यौहार यहाँ इस मंदिर प्रांगण में मनाया जाता है। अखंड हरि नाम कीर्तन के समय जब कीर्तन अभी चल रही है, इस दौरान मौसीबाड़ी बोल के राधारानी मंदिर समिति की जो जमीन है, आप देखेंगे कि इसमें इस अखंड हरि नाम संकीर्तन के दौरान एनएच जाते समय एनएच में जो मेला लगे हुए है वो मौसीबाड़ी का ही जमीन है, ये राधारानी समिति की ही जमीन है जिसमें मेला चल रही है। वहाँ पर मनोरंजन का सारा व्यवस्था है, वहाँ पर हर खेल लगा हुआ है, मीना बाजार लगा हुआ है, झूला लगा हुआ है, मतलब बच्चों से लेकर बड़ों तक का जितना भी मनोरंजन होना चाहिए का वो सारा व्यवस्थित ढंग से वहाँ लगा हुआ है। यहाँ ये जो आप यहाँ जो मंदिर देख रहे हैं, और इस मंदिर में सभी धर्म के लोग का आस्था है, और इस जो भी व्यक्ति आस्था लेकर यहाँ पर मंदिर कमेटी पहुँचते हैं या मंदिर प्रांगण पहुँचते हैं, माथा टेकते हैं, तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और ये पूर्ण मान्यता है कि यहाँ जो भी माथा टेके हैं, जो भी अपने मन से कुछ अपने मुराद मांगे हैं उनका संपूर्ण हुआ है। इसलिए इस मंदिर का और भी आस्था बढ़ती है। अगर कोई भाई बंधु या भक्तजन चाहते हैं तो वो आस्था में आके वो इस मंदिर से अपना मनोकामना कर सकते हैं, मांग सकते हैं। धन्यवाद। श्री श्री राधा रानी मंदिर समिति आप सभी भक्तजनों का हार्दिक हार्दिक। आज मेला का 8वां दिन है और जिस तरह से आप भक्तजन
और क्या बना रहे हैं?
मेला का सबसे बड़ा शो चालू हो रहा है।